तो बता देंगे बिहार से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने लखीसराय में हुए 4 लोगों की हत्या के बाद नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार अब बेकाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बता दें कि दरअसल बिहार के बढ़ते अपराधों को लेकर अब मुकेश सहनी भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को कहा है कि ये बेकाम के मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि अब इनके मुख्यमंत्री रहने और ना रहने से बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है और ना ही बिहार के लोग अब इनके मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से लखीसराय में लोगों के ऊपर दिन दहाड़े एक युवक सनकी युवक के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 4 लोगों की, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है और अभी भी 2 लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और अभी भी पता नहीं है कि वो दोनों बचेंगे या फिर उनकी भी मौत हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से मुकेश सहनी ने भी अब बीजेपी के बाद सम्राट चौधरी के बाद और चिराग पासवान के साथ जिस तरह से अब मुकेश सहनी ने भी अपने आप को अब इसमें शामिल कर लिया है और जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने हमला किया है, उसको देखते हुए अब कहना गलत नहीं होगा कि मुकेश सहनी भी नीतीश कुमार के शासन से अपने आप को जोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अगर अपराध बढ़ रहा है, बिहार में अगर लोगों की हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, अब औरतों के साथ बलात्कार हो रहा हो या फिर महिलाओं के साथ जो भी व्यभिचार हो रहा हो, दुर्व्यवहार हो रहा हो, उसके वो बिल्कुल खिलाफ हैं और वो ऐसे चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं। जिसके बाद अब बीजेपी के सम्राट अध्यक्ष के बाद, सम्राट चौधरी के बाद अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया है और उसके बाद अब मुकेश सहनी ने भी अपने आप को इसमें शामिल किया है इस मुहिम में और साफ तौर पर कहा है कि अगर मुख्यमंत्री को बिहार की चिंता नहीं है तो उन्हें सबसे पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। तो साफ तौर पर मुकेश सहनी ने चिराग पासवान के बाद अब नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर मुकेश नीतीश कुमार से बिहार सरकार नहीं चल रहा है, बिहार नहीं चल रहा है, संभल नहीं रहा है, तो उनको अब यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए और कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ताकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और उसके बाद चुनाव हो, ताकि किसी अच्छे और प्रतिष्ठित इस पद को कि किसी अच्छे व्यक्ति को यहाँ पर बैठाया जाए ताकि बिहार का शासन और सुशासन अच्छे ढंग से चल सके। खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।